हाय फ्रेंड, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे बीके टेक स्टूडियो में। दोस्तों, अगर आपको आधार नंबर पर कितने सिम एक्टिवेट है कैसे पता करें, चलिए हम आपको उसके बारे में विस्तार से बताता हूं। अगर आप वो नंबर नहीं चलाते हैं, आप यहां से रिक्वेस्ट करेंगे तो आपका नंबर बंद हो जाएगा। तो आपको क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है और सर्च बॉक्स में टाइप कर देना है यहाँ पर TAFCOP, यहाँ पर आपको टाइप करके सर्च बटन पर क्लिक कर देना है। अगर आप जो नंबर नहीं चला रहे हैं तो उस पर आप टिक करके यहाँ पर रिक्वेस्ट करेंगे तो वह नंबर आपका बंद हो जाएगा, और वह दूसरा नंबर कोई चला रहा है आपके आधार कार्ड से अगर लिंक है तो। यहाँ पर चलिए, हमारे सामने तरह से इंटरफेस ओपन हो चुका है। अब हमें स्क्रॉल अप करते हुए नीचे जाना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट वेबसाइट जो आपको मिल रही है ऊपर लिंक, उसी पर हमें क्लिक कर देना होगा। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं गवर्नमेंट की वेबसाइट है, gov.in है, यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं है, सिक्योर वेबसाइट है। तो फर्स्ट उस पर लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर फाइनली हमें मोबाइल नंबर को डालना है। आप कोई भी मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, लेकिन वह मोबाइल आपके पास होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर आपको OTP आएगी, उस OTP को यहाँ पर डालना होगा, तभी आपको यहाँ पर पूरा डिटेल्स आप देख सकते हैं। तो कोई भी नंबर, कोई भी कंपनी का हो, आप इस वेबसाइट पे आकर के यहाँ से आप क्रोम ब्राउजर को ओपन करके यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पर हम अपना मोबाइल नंबर को डालते हैं। यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल देने के बाद यहाँ पर आपको रिक्वेस्ट OTP पर क्लिक कर देना होगा। तो चलिए, हम अपना मोबाइल नंबर डाल के रिक्वेस्ट OTP पर क्लिक करते हैं। तो रिक्वेस्ट OTP पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर थोड़ा देर वेट कर लेना है। जैसे ही OTP आते हैं, यहाँ पर हमें OTP डाल के, यहाँ पर हमारी OTP आ चुकी है, यहाँ पर हम OTP डाल के यहाँ पर वैलिडेट OTP पर हमें क्लिक कर देना है। तो हमने अपनी OTP को यहाँ पर टाइप कर दिए हैं, वैलिडेट पर क्लिक करना है। तो जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, हमारे सामने एक दूसरा नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर जैसे ही हमारा पेज ओपन हो जाएगा, यहाँ पर हमारा जो भी आधार कार्ड से जितने भी सिम एक्टिवेट है यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो चलिए, फाइनली इसको हम स्क्रॉल अप करते हुए नीचे जाएंगे। तो यहाँ पर आपको स्क्रॉल जैसे ही करेंगे, आपको नीचे जाना है। यहाँ पर जितने भी आधार कार्ड नंबर से आपका सिम एक्टिवेट रहेगा, आपको यहाँ पर दिखाएगा। बगल में आपको टिक मार्क दिखा रहा है, उस पर टिक करके रिक्वेस्ट इज नॉट पर क्लिक करेंगे तो वह नंबर आपका बंद हो जाएगा। इस तरह से आप अपना कोई भी नंबर, अगर वह नंबर आप नहीं चला रहे हैं, तो आप बंद कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से आप कोई भी नंबर, किसी भी कंपनी का आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, और चैनल पर पहली बार हैं तो कृपया सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, क्योंकि ऐसी सी नई जानकारी आपके लिए मैं लाता रहूँगा। तो दोस्तों, वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय, जय हिंद।